लाठीचार्ज पर विपक्ष का नीतीश पर जोरदार हमला, कहा माफी मांगे। नमस्कार, न्यूज पर भारत में आपका स्वागत है, मैं खुशबू। पटना में नियोजित शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद में सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस एक्शन के खिलाफ माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों की आवाज को दबाना चाहती है। जो लोग लोकतांत्रिक तरह से विरोध प्रकट करते हैं उन लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाती है। वहीं पूर्व सीएम ने आगे कहा कि शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया जाना ये कहीं से सही नहीं है। यह सवाल उन्होंने बिहार के नीतीश सरकार पर उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए, नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को पटना में नियोजित शिक्षकों ने अपनी 7 सूत्रों मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। दरअसल शिक्षक अपनी मांग को लेकर बिहार विधानसभा को घेरने निकले थे। 2005 में सरकार आई, 2005 से लाठी गोली चलते रहा शिक्षकों पर चाहे कर्मचारियों पर। जो अपना मांग जो लेके जाता है बैठता है उस पर लाठी गोली चलते रहता है। कभी सरकार सुधरने वाली नहीं है। लाठी चलाएगी शिक्षकों पर, कर्मचारियों पर, सब पर, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। बयानबाजी खाली होगा, घोषणा होगा, कोई काम नहीं होगा बिहार के शिक्षकों पर। तो कहते हैं 2005 से जब से सरकार आई है तब से लाठी गोली चल रहा है सब पर, कर्मचारी और शिक्षक। कल हुआ बहुत बड़ा घटना हुआ है और उसमें महिलाएं भी थी, महिलाओं पर भी लाठी चला गया और महिलाएं देखे कि छिप छिप के लुका लुका भाग रही है जब डंटा चला रहा था पुलिस का। अब पुलिस झूठों को दिखा रहा कि पैर में हमारा चोट है, तो गिरा होगा तो पैर में चोट लगा हुआ, शिक्षक थोड़ी मरा होगा। उधर शिक्षक का लाठी तो चलाते हुए दुनिया देख रहा, बिहार के जनता देख रहा, पूरे बिहार से शिक्षक लोग आया था, अपना मांग सही मांग कर रहे हैं लोग, उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमको जानकारी ही नहीं है, सब जानकारी रहता है, मंत्री हैं आप, शासन चला रहे हैं, उनका जानकारी है नहीं है। कांग्रेस के समय में लाठी गोली चलती थी, इमरजेंसी का उन्होंने ऐलान दिया था। कल जिस तरह से लाठियां बरसाई गई है, एक शिक्षक की उसमें से आज मौत हुई है, वो भी खबर आ गई है। तो ये दमनात्मक कार्रवाई से सरकार नहीं चल सकती है। आज हम लोग जोरदार तरीके से इस बात को उठाएंगे। छपरा में तो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, नवादा में एक अपहरण की घटना हुई है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध कम हुआ है, ये चीजें नहीं चलेंगी। और ये लाठी डंडा की भाषा, आप तो कांग्रेस पर आरोप कर रहे थे, कल आपने फिर क्या किया? और सबसे बड़ी चीज, पुलिस मैनुअल का उल्लंघन, कल भी शिक्षकों के सर पे लाठी मारी गई है। सर पे लाठी मारना अपराध है, इसके लिए नीतीश कुमार जी दोषी है एज ए गृह मंत्री, उन्हें इस्तीफा करना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है पूरा बिहार के, यह बिहार के लिए शर्म की बात है कि इस राज्य में शिक्षक पर गोली चले, एक दर्जन से ज्यादा शिक्षक घायल हो जाए और काला दिवस। शिक्षक आंदोलन डू और डाई पर लगा हुआ है, लेकिन कुंभकर्ण निंद्रा में यह सोई हुई सरकार की नींद नहीं टूट रही है। हम लोग नींद तोड़ने के लिए आज हमारे सदन के माननीय सदस्य सुबोध जी ने क्या कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।